नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। हांसी में युवाओं ने सरकार द्वारा विज्ञापन संख्या 12/2015 की वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट घोषित न होने के चलते विधायक विनोद भयाना को हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा दीपक ने बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 2015 में वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी और इसका 2017 में टेस्ट भी लिया गया था और 2019 में फिजिकल टेस्ट इंटरव्यू भी हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की कोशिश कर रही है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसे हम सहन नहीं करेंगे। वहीं विधायक विनोद भयाना ने बताया कि इन युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, इसे मुख्यमंत्री हरियाणा को भेज इस भर्ती प्रक्रिया में फाइनल रिजल्ट का आने के कारणों का पता करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार 5 साल बीत जाने के बाद इन युवाओं की भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट घोषित करती है या नहीं। इसी तरह से बेरोजगार युवाओं से भर्ती के नाम पर भविष्य का खिलवाड़ होता रहेगा। प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है क्योंकि उसके फिजिकल एग्जाम, टेस्ट सब कुछ हो चुका था और इंटरव्यू भी हो लिया बाय द वे, और 1 साल से उसका क्या है, इंटरव्यू का जो रिजल्ट है, फाइनल लिस्ट है, वो नहीं लगाई अभी तक। इसके सिलसिले से हम मिले थे HSC पे। अभी सोशल मीडिया पे एक वाटर है जो वायरल हो चुका है और उसमें दिखा जा रहा है कि HSC जो ये भर्तियां हैं, जो 2015 की भर्तियां थी, 8 डिपार्टमेंट है जिनकी ये भर्तियां थी, तो उसको क्या कर रही है कि वो कैंसिल करने जा रही है। तो इस सिलसिले से हम मिले थे कि भी क्यों कैंसिल क्यों कर रही है, तो उन्होंने एक रीज़न लिखा हुआ कि सोशल क्राइटेरिया, जो सोशल के एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे दस, उन नंबरों पर रोला है और करके हम नए सिरे से भर्ती को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लेवल में जितनी जो भर्तियां थी हमारी कैटेगरी में थी, वाइल्ड लाइफ हो गई, डिप्टी रेंजर हो गई और कई भर्तियां हैं 2015-2016 की, वो कंप्लीट भी हो चुकी है, तो उनके ऊपर वो रूल लागू क्यों नहीं किया, पहली बात तो ये है। अभी हमारी भर्ती के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत बड़ा भेदभाव देने के लिए इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है, मेरे से रिक्वेस्ट करी है। दरअसल इनका कोई एग्जाम हुआ था SSC से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस के लिए, तो इनका फाइनल एग्जाम वगैरह भी हो गया, फिजिकल टेस्ट भी हो गया, इवन के इंटरव्यू वगैरह भी हो गया, जो इन्होंने मुझे बताया, मगर रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इनका कहना है कि सरकार इसमें डिले करके इसको रद्द करना चाह रही है। वैसे तो मैं इसी डिटेल में जाऊंगा, अगर सब कुछ हो गया तो मेरे ख्याल में रद्द तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट होती है तो निश्चित रूप से सरकार जरूरत के अनुसार ही एडवर्टाइजमेंट करती है, और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्यों रद्द कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में भी जाऊंगा। और